अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 11 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आएँ चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन 1 किया था, जो कि था वेरीफाई दी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेरीफाई द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, वो थी कि अगर कोई भी दो रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो वहां पर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d। अब मैं दोनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, z1 multiplied by z2 which is equal to a plus iota b multiplied by c plus iota d। सबसे पहले a c के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन हमारे पास प्लस a डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वेयर, देन हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर क्या है, -1, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बी डी। अब मैं यहाँ पे जो रियल पार्ट हैं उनको कंबाइन कर दूंगा, ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर दूंगा ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। अब यहाँ पे जैसा कि देखा जा सकता है, ये हमारे पास क्या है, एक रियल पार्ट है और ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो जो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं, z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 is equal to c plus iota d, z3 is equal to e plus iota f। अब associative law क्या है हमारे पास, z1 multiply by z2 multiply by z3 is equal to z1 multiply by z2 multiply by z3। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड को अज्यूम करेंगे और राइट साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मल्टीप्लाई बाय z3। सबसे पहले z1 z2 एंड z3 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय z2 है हमारे पास c प्लस आयोटा d एंड c3 है हमारे पास e प्लस आयोटा f। अब यहाँ पे c प्लस आयोटा d एंड e प्लस आयोटा f को मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस आयोटा b इंटू c e माइनस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी ई आयोटा। हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। अब ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू सी ई माइनस डी एफ
प्लस बी इंटू सी एफ प्लस डी ई आयोटा स्क्वेयर। जब मैं आयोटा बी को सी एफ प्लस डी ई इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आयोटा हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर एंड बी इंटू सी एफ प्लस डी ई आ जाएगा। देन इसी तरह मैं ए को दोबारा करूंगा सी एफ प्लस डी ई आयोटा से मल्टीप्लाई एंड देन आयोटा बी को सी ई माइनस डी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं विच इज इक्वल टू माइनस वन। तो उस माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू सी एफ प्लस डी ई, और इन दोनों से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी एफ प्लस डी ई प्लस बी सी ई माइनस डी एफ। यहां से आयोटा हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया। नेक्स्ट मैं ए को सी ई से मल्टीप्लाई कर देता हूं फिर ए को डी एफ से, देन बी को सी एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी को डी ई से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम आयोटा के साथ जो टर्म्स हैं उनको भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई माइनस बी डी एफ आयोटा। अब सबसे पहले जिन टर्म्स में हमारे पास ई आ रहा है उनको मैं कंबाइन करूंगा और उसके बाद एफ वाली टर्म्स को मैं कंबाइन करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए सी ई माइनस बी डी ई प्लस ए बी ई आयोटा प्लस बी सी ई आयोटा। इसी तरह अब एफ वाली टर्म्स को अगर कंबाइन कर ले तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ प्लस ए सी एफ आयोटा माइनस बी डी एफ आयोटा। अब जितनी ई वाली टर्म्स हैं हमारे पास यहां से मैं ई कॉमन ले लेता हूँ। ई जब कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। इसी तरह एफ वाली जो टर्म्स हैं मैं उनमें से एफ कॉमन ले लेता हूँ प्लस एफ अंदर आ जाएगा माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस ए सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ी सी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसमें रियल पार्ट को कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को भी कंबाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस वन है बेसिकली, और माइनस वन हमारे पास हमें पता है आयोटा स्क्वेयर के इक्वल होता है, तो मैं इस माइनस की जगह प्लस आयोटा स्क्वेयर पुट कर देता हूँ। आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा उस माइनस वन की जगह पे, देन फर्दर ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास इसमें से आयोटा को कॉमन लेंगे। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ई ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा प्लस आयोटा एफ ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। अब ये पूरी टर्म हमारे पास जो आ रही है ब्रैकेट्स में और नीचे वाली जो ब्रैकेट्स में आ रही हैं ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और इसको कॉमन ले लेंगे। ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा ये कॉमन आ गया,
और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ई प्लस आयोटा एफ से। अब ये वाली जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये बेसिकली ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आयोटा टी का सोल्यूशन है। तो मैं डायरेक्टली ब्रैकेट्स में इसकी जगह लिख लेता हूँ ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आयोटा टी मल्टीप्लाई बाय ई प्लस आयोटा एफ। अब ए प्लस आयोटा बी हमारे पास क्या था, जी वन, सी प्लस आयोटा डी था जी टू, एंड ई प्लस आयोटा एफ क्या था हमारे पास, सी थ्री। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ हमारे पास प्रूव हो चुका है। ये था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था और राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं, हमारे पास सॉल्यूशन में वही नंबर वापस आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी के केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो है होता है जीरो, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के केस में हमारे पास होता है वन। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का केस कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वन प्लस आयोटा जीरो। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसको प्रूफ करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसिडर करते हैं ए प्लस आयोटा बी, और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या हमारे पास फर्दर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है या नहीं आता। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये आ जाएगा ए इंटू वन इज ए प्लस ए इंटू आयोटा जीरो इज जीरो, जीरो की वजह से सब कुछ जीरो हो जाएगा, प्लस आयोटा बी इंटू वन इज आयोटा बी। और उसी तरह आयोटा बी को जब मैं आयोटा जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास जीरो। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस आयोटा बी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने उसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो हम कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है वन जीरो और वन प्लस आयोटा जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो होता है हमारे पास a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। और अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो वो होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसे प्रूफ करते हैं। अब तो मैं सपोज कर लेता हूं कि z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम जानते हैं कोई भी नंबर हमारे पास हो तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास 1 ओवर z1 ये होता है। तो इसी तरह 1 ओवर a प्लस आयोटा b इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 1 ओवर a प्लस आयोटा b को इस पे मैं अब गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस अप्लाई कर रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस आयोटा b, नीचे आ जाएगा a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा b। अब हमें एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें पता है कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नीचे हम ये अप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में a माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, a माइनस आयोटा बी
ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर टू बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय ए स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर अब हमें पता है माइनस वन के इक्वल होता है, और उस माइनस की वजह से ये वाला माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर अब हम इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा, और इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये है हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं। अब हमने प्रूफ करना है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई बाय z1। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 ये आ गया हमारे पास। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। अगर मैं इसको ए सी को सी ए लिख लूं और बी डी को डी बी लिख लूं प्लस ए डी को डी ए बी सी को सी बी, देन अब ये जो सॉल्यूशन है ना हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली सी प्लस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा बी का सॉल्यूशन है। तो ये इक्वल आ गया जी टू इंटू सी वन का। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉमुटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखा गया है, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि है हमारे पास ए बी इंटू सी डी प्लस ई एफ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सी डी एंड ई एफ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू सी प्लस ई डी प्लस एफ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन चुका है। अब यहाँ पे इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए इंटू सी प्लस ई माइनस बी इंटू डी प्लस एफ, ए इंटू डी प्लस एफ प्लस बी इंटू सी प्लस ई। देन इसकी आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई। अब ए सी माइनस बी डी को कंबाइन कर लेंगे प्लस ए ई माइनस बी एफ को कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे, और सेकंड एलिमेंट में हम लोग ए डी प्लस बी सी को कंबाइन कर लेंगे प्लस ए एफ प्लस बी ई को कंबाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ए सी माइनस बी डी, जो कि हमारे पास एक रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास ए डी प्लस बी सी, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। दूसरा ऑर्डर पेयर साथ आ जाएगा प्लस ए ई माइनस बी एफ, और इसके साथ जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है ए एफ प्लस बी ई। देन हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर बना हुआ है इसको मैं ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी लिख सकता हूं,
प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय ई एफ लिख सकता हूँ। ये हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है बेसिकली इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके आया है। सिमिलरली ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है, तो इससे हमारे पास राइट साइड आ गई और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म लेके किया गया है, कुछ स्टूडेंट्स को मे भी ये मुश्किल लगे, अगर ये मुश्किल लगता है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनकी जनरल फॉर्म में लिख के कर लें एंड देन बाद में जो उसका सलूशन आएगा वह ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।